अपने अभी चलना है मोक्षु कहाँ जा रहा है तो यहाँ पे हम टाइम पे एकदम पहुँच चुके थे स्टेशन, हमारी मेट्रो आ चुकी है। ये मेट्रो हमने नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से ली जो कि मंडी हाउस तक जाती है। उसके बाद हमने चेंज करी मेट्रो, वो मंडी हाउस से हमने कश्मीरी गेट तक ली थी। वहाँ पे हमारी एसी बस जो स्लीपर बसेस होती हैं वो हमने ली थी, उसे बुक किया था। ये कहाँ तक जाएगी? तो गाइज यहाँ पे अब हम रात का हमारा क्योंकि सफ़र है तो रात भर हम बस में रहे, रात भर सोए। उसके बाद सुबह 5 बजे हम उतर गए थे अमृतसर, वहाँ से हमने ई रिक्शा लिया और बस हम अपने होटल तक पहुँचे। तो यहाँ हम बस से उतर चुके हैं और हमने बस स्टैंड से ही हमने ई रिक्शा ले लिया अपने होटल के लिए। और होटल जो हमारा था वो ऐसा था कि उससे गोल्डन टेंपल की दूरी ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो ये चीज़ अच्छी हो गई हमारे साथ कि हमें बहुत थकान थी तो गोल्डन टेंपल जाने में ज़्यादा थकान नहीं हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने होटल। तो हमारा जो चेक इन था वो 12 बजे से था होटल के कमरे में, लेकिन उन्होंने हमें फ़्रेश होने के लिए, हमारी बात हो चुकी थी तो उन्होंने हमें फ़्रेश होने दिया। उसके बाद हम गोल्डन टेंपल के लिए तैयार हो गए। हमने सोचा इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, तो पहले गोल्डन टेंपल घूम लेते हैं क्योंकि शाम को हमें वहाँ पर भी जाना था, अटारी बॉर्डर पर भी जाना था, तो फिर वो लेट हो जाता। तो हम फटाफट तैयार हो गए तुरंत ही। अभी जाते क्या देख रहे हो? वहाँ क्या है? अभी जाते कुछ करते हो? अच्छा इधर देखिए, इधर 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 चलो। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? चलो कहाँ जा रहे हैं? बाय चलो। मोक्षु देखो 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 क्यों रो रहे हो? हाँ चले चलो, उधर ही चलेंगे, उधर ही चलेंगे, उधर ही चलेंगे पक्का। अभी अभी देखना हम लोगों के चप्पल जूते यहाँ जमा हो जाएंगे, पता तुमको। तो ये जो गोल्डन टेंपल है वो हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो बस हम चले गए, पैदल ही चले गए। बस मोक्षु का ये हो रहा था कि मोक्षु उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बारिश नहीं हो रही थी ज़रा भी, और बस मोक्षु गर्मी से बहुत बेहाल हो रहा था। और खैर गर्मी तो हम लोगों को भी बहुत लग रही थी और रश भी बहुत ज़्यादा था मंदिर में। तो गाइज यहाँ पे हम गुरुद्वारे अपने पहुँच चुके हैं गोल्डन टेंपल, और यहाँ पे ये जो आप कुंड देख रहे हैं ये है अमृत कुंड, इसे बोला जाता है। इसी अमृत कुंड के नाम से ही इस सिटी का जो नाम है वो अमृतसर पड़ा है। और यहाँ बोला जाता है कि यहाँ नहाना बहुत ही अच्छा माना जाता है कि जिसे कोई रोग हो तो वो रोग सारे दूर कर देते हैं बाबा जी। ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाके मुझे, तो मैं सच बोलूँ बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और बिना आप खुले सर के यहाँ नहीं रह सकते, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी, यहाँ पे आपको साफ़ा बोलते हैं जो, या रुमाल बोल लो, कुछ भी आपको बांधना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने वही है, मैंने भी बाबा जी को जल दिया और प्रणाम किया उन्हें। तो यहाँ पे हम लोग जो है बाबा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। एक परिक्रमा करने में भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा और गर्मी काफ़ी थी तो मुझे ये डर लग रहा था कहीं मोक्षु की तबीयत ना ख़राब हो जाए या हम ही लोगों की ना ख़राब हो जाए, क्योंकि ऐसा है फिर हमारे 2 दिन जो हैं उसमें हम जरा भी कहीं भी नहीं जा पाएंगे। और फिर उसके बाद हमने प्रसाद अपना लिया और हम बाबा जी के बस अंदर तक दर्शन करने नहीं गए, लेकिन दूर से हमने बाबा जी को प्रणाम कर लिया, टेम्पल देख लिया, लेकिन अंदर तक नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी
और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बस हमने प्रसाद लिया अपना, और आप एनवायरनमेंट भी देख सकते हो मंदिर का कि किस तरीके का है, मौसम भी देख सकते हो कि कैसा है। बहुत ज़्यादा ही रश था वहाँ पे, और मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि बारिश वाला मौसम था, लेकिन हो नहीं रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा खा के देखो, अच्छा लगेगा। थोड़ा अगर खा ले तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा? तो मम्मी निकलवा दो। चलो आ जा, आ जा, आ जा। मोक्षु गंदे काम नहीं। क्या? लो ये खा लो। नहीं खाएगा वो। मीठा मीठा है। तो गाइज़ यहाँ पे मंदिर में इतनी अच्छी व्यवस्था थी, मतलब इतनी भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा भीड़ है, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज होता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे गाड़ियों का भी आपको पार्किंग का कोई चार्ज नहीं देना होता है, जबकि आप किसी भी मंदिर में जाओ आपको गाड़ी पार्किंग का तो चार्ज लगता ही लगता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। और आप देख सकते हो कि अगर बाबा जी के पास जाओ तो ऐसे जगह जगह पर इस तरह से पानी भरा हुआ रहता है कि आप पैर धो के ही अंदर जाओ, ऐसे नहीं जा सकते। अब जैसे हमने भी अभी प्रसाद लिया, तो उसके बाद हम जब भी दोबारा परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो हमें पैर धो के ही अंदर जाना होगा, और बिना चुन्नी के अंदर नहीं जा सकते। सर पे दुपट्टा लेना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप कभी भी गोल्डन टेंपल आए तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ये लाची बेरी का पेड़ दिख रहा है आपको आगे, इसके दर्शन ज़रूर करिएगा। और यहाँ नहाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके पास में जो कुंड है वहाँ नहाइए आप, और ये बहुत अच्छा माना गया है। मतलब ये बोला जाता है रोग सारे आपके दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, इनसे आप कोई भी मन्नत मान सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ कई कई घंटे लोग खड़े रहते हैं बेर का एक प्रसाद पाने के लिए। ये भी बाबा जी का एक चमत्कार ही है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं लंगर करने के लिए। लंगर अगर आपने नहीं किया ना गुरुद्वारा आके, तो समझो आपने कुछ नहीं किया। और लंगर के बाद अगर हो सके, अगर आप कैपेबल हैं तो आप डोनेशन ज़रूर दें, क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। और गाइज, यही था हमारा आज का ये वाला ब्लॉग। और आपको मैं नेक्स्ट अटारी बॉर्डर का भी ब्लॉग बहुत जल्दी दिखाऊंगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, और वाहेगुरु जी की जय।